स्क्रिल्ड भी काफ़ी अच्छा एक पेमेंट गेटवे है। अगर आप स्क्रिल्ड के थ्रू भी पैसा मंगाना चाहते हो तो पैसा मंगा सकते हो। पेपल और पायनियर के जैसा ये भी एक पेमेंट गेटवे है। अगर आपके पास कोई लॉन्ग टर्म क्लाइंट है, आप पैसे मंगाना चाहते हो उस क्लाइंट के थ्रू, तो आप पेपल और पायनियर के अलावा आप स्क्रिल्ड पे आप पैसे मंगवा सकते हो। अब इनका क्या क्या चार्जेस है, मान लीजिए आपको किसी क्लाइंट ने पेमेंट किया और वे पेमेंट डिफॉल्ट आपके स्क्रिल्ड वैलेट में चला गया। अब उस वैलेट को से पैसे आपको अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा, तो उसके लिए आपको 5.5 यूरो फ्लैट देना होगा स्क्रिल्ड को एज ए कमीशन। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि मान लीजिए अगर किसी क्लाइंट ने आपको पेमेंट किया और वे डिफॉल्ट आपके स्क्रिल्ड वैलेट में चला गया, तो वहाँ से उस पेमेंट को अगर आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको फ्लैट 5.5 यूरो पे करना होगा। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपका कोई आपने कहीं से पेमेंट आपने रिसीव किया है, वे करेंसी और आपका जो लोकल करेंसी मैच नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे भी आपको करेंसी एक्सचेंज के लिए भी आपको देने पड़ेंगे कुछ चार्जेस, जो चार्ज आपका होगा 3.99% ऑफ द फी। तो यहाँ पे आपको फी यहाँ पर आपको पे करना होगा करेंसी कन्वर्सन के लिए भी। अब देखते हैं क्या इसका एडवांटेज है, क्या इसका डिसएडवांटेज है, क्या इसका अप्रोच है, क्या इसका कौन से है। सबसे पहला फ़ायदा यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अकाउंट खोलना काफ़ी इजी होता है और आप विदिन द सेम डे आप यहाँ पे अकाउंट आपका अप्रूव हो जाएगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको यहाँ पे अकाउंट खोलने में। सेकंड फ़ायदा यहाँ पे ये है कि इसका जो पेमेंट गेटवे है या फिर जो इसका पेमेंट प्रोसेस है पूरा वर्ल्ड वाइड काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड है। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पे ये है कि स्क्रिल्ड क्रेडिट कार्ड उन लोगों को भी अलाउ करता है पेमेंट करने के लिए जो लोग स्क्रिल्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं। मतलब आप सिंपल समझिए कि मान लीजिए अगर मेरे पास स्किल का क्रेडिट कार्ड है तो मैं इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू मैं किसी को पेमेंट कर सकता हूँ भले ही उसका स्किल पे अकाउंट हो या ना हो। तो ये सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि जो जो भी मैं पेमेंट करना चाहता हूँ किसी को कर सकता हूँ, चाहे उसके पास स्किल अकाउंट हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देख लेते हैं इसका क्या क्या डिसएडवांटेज है। पहला डिसएडवांटेज यहाँ पर यह है कि ये थोड़ा सा स्लो काम करता है, इनका जो उनका कस्टमर सपोर्ट भी काफ़ी स्लो है। तो यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू आप देखोगे पेपाल या फिर पायनियर, थोड़ा सा इनका वर्किंग थोड़ा सा स्लो है, इनका थोड़ा रिस्पॉन्स भी थोड़ा स्लो मिलता है। सेकंड जो इसका डिसएडवांटेज है कि इनका जो पेमेंट फी है, जो इनका जो कमीशन फी है काफ़ी हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर फीस, चाहे वह पेपाल हो चाहे पायनियर हो, आपको यहाँ पर काफ़ी अधिक पे करना होगा अगर आपको पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाने हैं तो। थोड़ा सा इनका हाई पे आउट फीस है और खासकर वीज़ा कार्ड्स के लिए भी आपको अधिक पे करने होंगे, तो इनका एज़ कम्पेयर टू पेपाल और पायनियर आपको थोड़ा सा यहाँ पर इनको यूज़ करने के लिए आपको अधिक फी पे करना होगा। थर्ड हम लोगों ने देखा था पायनियर में भी देखा था, पायनियर भी अपना क्रेडिट कार्ड इशू करता है लेकिन वे सिर्फ उन लोगों के लिए इशू करता है जो लोग यूरोपियन हैं या फिर जो लोग नॉर्थ अमेरिका के हैं। सेम केस यहाँ भी है, यहाँ भी आपके पास ऑप्शन है प्रीपेड कार्ड्स का लेकिन वे सिर्फ उन लोगों के लिए अवेलेबल है जो लोग यूरोपियन हैं या फिर जो लोग अमेरिकन हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो आपके लिए थोड़ा सा लगता है फ्रस्ट्रेटिंग है कि हम चाहकर भी इनके क्रेडिट कार्ड को यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ये एम्बैरसिंग है। अगर आप इसमें ऑलरेडी अकाउंट बनाए हुए बिजनेस कर रहे हो तो थोड़ा सा ये एक एम्बैरसिंग फीचर है। तो ये होता है इनका प्रोज एंड कॉन्स। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा।